नमस्कार दोस्तों, जैसा कि क्लास 9th का एनसीईआरटी जो डिस्कशन कर रहे थे हम लोग जियोग्राफी का, तो उसमें आज ये 5th चैप्टर और 6th चैप्टर डिस्कशन करेंगे। यही 6 चैप्टर है टोटल इसमें। तो इसमें है प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी। तो अब जैसा कि टॉपिक से ही स्पष्ट हो चुका होगा कि नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो खैर, एनसीईआरटी पढ़ने का तरीका हमने अपने पहले ही वीडियो में बना दिया था, तो आप उसको जरूर देखें, आपको ज्यादा क्लियरिटी आ जाएगी। अब देखिए, इसमें इतना नहीं पढ़ना था। अगर यहाँ पर अपडेट करने का वो मिले आपको तो आप यहाँ पर 36 कर सकते थे और कुछ नहीं। बाकी सब हमको तो नहीं लगता है कि फिर यहाँ पर आप कुछ पढ़िए। फिलहाल यहाँ पर जो था अक्षत वनस्पति कहा था, ठीक है, जिसे बोलते हैं वर्जिन वेजिटेशन। तो यहाँ पर इसका प्राकृतिक वनस्पति का अर्थ है कि वनस्पति का वह भाग जो मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा होते हैं, जैसे जंगल एग्जाम्पल की बात करें, और लंबे समय तक उस पर मानवीय प्रभाव नहीं पड़ता है, तो अक्षत वनस्पति कहलाते हैं। वहीं आप यहीं पर देख सकते हैं देशज और विदेशज शब्द जिक्र किया गया है। तो देशज शब्द जो है, जो मूल रूप से भारत में ही हुए हो जो वनस्पति, उसे देशज बोलते हैं, जो बाहर से आए हुए हैं, जैसे यूकेलिप्टिस अपने यहाँ आया हुआ है तो वो विदेशज बोल सकते हैं। और वनस्पति जगत का अर्थ यहाँ पर देख लीजिए कि किसी विशेष क्षेत्र में किसी समय में पौधे की उत्पत्ति से है, वनस्पति जगत का अर्थ है। और इस तरह प्राणी जगत जानवरों के विषय विषय में बतलाता है। लेकिन इसमें जो सबसे अहम है, जिसके बारे में मुझे पढ़ना है, कि वनस्पति, देखिए वनस्पति और वन प्राणियों में इतनी विविधता के क्या कारण रहे हैं। तो सबसे पहले हम इतना नहीं पढ़ेंगे, अब इतना नहीं पढ़ेंगे, हमने शॉर्ट नोट्स बना दिया यहाँ पर। इसको अगर वनस्पति और वन्य प्राणियों की विविधता के बारे में देखेंगे तो आप सबसे पहले धरातल पे आएंगे। धरातल में भी भूभाग होता है और मृदा होता है। अब भूभाग पे जहाँ पर उपजाऊ भूमि पाए जाएंगे वहाँ कृषि होती है। असमतल भूमि, असमतल भूमि जहाँ होते, जैसे आपके पहाड़ी क्षेत्रों में हो गए, तो वहां पर जंगल हो जाएगा, घास हो जाएगा। तो ये सब की वजह से विविधता है, यही इतना लिखा ही है इसमें भूभाग। अब मृदा की बात कर लें, विभिन्न प्रकार की मृदाएं पाई जाती हैं, जैसे मरुस्थल में जब कटेली झाड़ियां हो जाएंगी, वहां पर पर्वतों पर शंकुधारी वनस्पतियां पाई जाएंगी। मैदानी क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के वनस्पति पाए जाते हैं, जैसे शीशम की बात कर लें। और एक निर्धारक जो कारण है इसका, जलवायु भी है, जिसमें तापमान है, सूर्य का प्रकाश है, वर्षण है। टेम्परेचर जानते हैं, टेम्परेचर अगर हाई होता है तो जो लकड़ी होती है, लकड़ी वो कड़ी हो जाती है, ठीक है। तो ऐसे जगह पे जहाँ पर जो है टेम्परेचर ज्यादा रहेगा, वहां पर नमी की मात्रा में कमी आ जाएगी। अब सूर्य के प्रकाश से भी प्रभाव पड़ता है, अगर सूर्य का प्रकाश प्रॉपर पड़ता रहता है, जैसे सदाबहार वनों में, तो यहाँ पर भी वनस्पतियां पाई जाती है। लेकिन ज्यादा पड़ जाता है, जैसे राजस्थान के क्षेत्रों में जहाँ बारिश भी नहीं होती है, तो वहां पर जो है आप देखते हैं कटीले वन पाए जाते हैं। वर्षा की मात्रा निर्धारित करती है, तो वर्षा ज्यादा होगा तो वहां पर सदाबहार वन पाए जाएंगे, और कम होगा तो कटीले पाए जाएंगे। जैसे अब इसी की ही बात कर लें, वनस्पति खंड और वार्षिक वर्षा देख लेते हैं। उष्ण, उपोष्ण, शीतोष्ण, अल्पाइन। अब वहां पर उष्ण पाए जाएंगे, जहां पर औसत वार्षिक वर्षा, औसत वार्षिक तापमान जो है 24 डिग्री से अधिक होगा, तो वो वहां पर उष्ण पाए जाएंगे, क्योंकि वहां पर कोई पालन नहीं पड़ता। उपोष्ण में 17 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड तक है। और वहीं बात करें शीतोष्ण की, तो 7 से 17 सेंटीग्रेड तक है। और अल्पाइन जो है 7 से कम सेंटीग्रेड वार्षिक तापमान जहाँ रहेगा, अल्पाइन वृक्ष पाए जाएंगे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यह है कि ये टर्म तो इंपॉर्टेंट है, इसके एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूपीएससी 2023 की भी बात कर रहे हैं। ऐसे ही 3 एग्जाम्पल दे के पूछ लिया था एक क्वेश्चन, तो बहुत लोग गलत कर दिए थे उसमें। अब वही हमने बताया, ऊपर सूर्य के प्रकाश, क्योंकि उस स्थान पर अच्छा समुद्री तल की ऊंचाई और ऋतु पर निर्भर करता है। अब वर्षा की बात कर लिए थे, दक्षिण पश्चिम मानसून जब आता है जून से सितंबर, ये मानसून के चैप्टर को मैं पिछले भाग में डिस्कशन किया था। इतना ही लिखा था, जो अभी इसको और एक्सप्लेनेशन के साथ आगे पढ़ रहे हैं, इसलिए उतना ये महत्वपूर्ण नहीं है। ये तो बस बता रहे हैं कौन कौन सा फैक्टर है जो निर्धारित करते हैं। अब इतना अगर आपको पढ़ना है, पढ़ने की आवश्यकता क्यों है? सबसे बात यह है कि अगर कोई कह दे कि वन हमारे लिए क्यों आवश्यक है, तो आप सोच में पड़ जाएंगे। इसीलिए वन क्यों आवश्यक है? नवीकरणीय योग्य संसाधन है, ये वातावरण की गुणवत्ता बढ़ाने में मुख्य भूमिका निभाते हैं। स्थानीय जलवायु, मृदा अपरदन, नदियों की धारा नियंत्रित करते हैं। उद्योग के आधार पर है, ये बहुत सारे उद्योग इसी पे आधारित है। समुदायों की जीविका प्रदान करते हैं, पर्यटकों के लिए आकर्षित करते हैं। पवन और तापमान को नियंत्रित करते हैं, वर्षा लाने में भी सहायक होते हैं। मृदा को जीवाश्म प्रदान करते हैं, वन्य प्राणियों को आश्रय मिलता है यहाँ पर। तो
तो ये बातें हो गई इसमें। बाकी ऐसे ही परियोजनाएं आपको एक्सपेरिमेंट करने के लिए बोला गया, क्योंकि स्कूल की बातें हैं तो स्कूल में होनी चाहिए थी। ये देखिए, इंडियन फॉरेस्ट स्टेट फॉरेस्ट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट है, ISFR 2000, ये था 11 का, ठीक है। चूंकि अब ये पुराना हो चुका था तो हमारे लिए अपडेट कर दें, तो 2021 का लेटेस्ट आया है, तो 24.62% पे वन पाए जाते हैं, जिसमें एमपी की बात करें तो सर क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक है। और वहीं वृद्धि दर अगर देखें हम, वृद्धि सबसे ज्यादा जहाँ हुआ आंध्र प्रदेश में हुआ 647 स्क्वायर किलोमीटर, और तेलंगाना में, फिर ओडिशा में, ये फर्स्ट पे है जो है वृद्धि में आंध्र प्रदेश। अब वनस्पति के प्रकार को देख लेते हैं, तो हमारे देश में जो है विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं, वनस्पति टाइप्स ऑफ वनस्पति, जिसमें हम बात करें 5 टाइप्स के टाइप्स ऑफ वनस्पति हम इसीलिए लिख ही दिए हैं, वेजिटेशन नहीं लिखे, ये मैं सोचे कि इंग्लिश नहीं आ रहा था उसमें। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय कटीले वन और झाड़ियां पाई जाती हैं, पर्वतीय वन पाए जाते हैं, मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। चूंकि ये अपना इंडिया है और ये विविधताओं से भरा है, यहाँ पठार अगर मिल रहा है, यहाँ पर्वत मिल रहे हैं, तो अलग अलग टेम्परेचर, अलग 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 ऊंचाइयां हैं, इसके मृदाएं भी अलग अलग हैं, यहाँ मरुस्थल पाए जाएंगे, तो वर्षा भी निर्धारित कर रही है, तो इसीलिए अलग अलग प्रकार के वनस्पतियां यहाँ मिलती हैं। तो इसी को हम जो है डिवाइड करके पढ़ते हैं। अब जैसे तटीय क्षेत्रों में जो होता है, जहाँ पर सैलाइन वाटर पाया जाता है, खारी, जहाँ खारा पानी होता है जो, तो वहां पर आप देखेंगे कि मैंग्रोव वन पाए जाएंगे। तो फिर एक्सप्लेनेशन के साथ थोड़ा सा हम लोग पढ़ते हैं, बाकी हमने यहाँ पर शॉर्ट बना दिया इसका, इसी को ही हमने यहाँ बना दिया है। तो खैर, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के बारे में पढ़ते हैं। अगर हम बात करें तो वर्षा वन अगर कह रहे हैं तो सदाबहार वन भी कह सकते हैं इसे, सदाबहार है ये। अब सदाबहार है इसका मतलब है कि यहाँ पर हमेशा वर्षा हो रहा होगा, कितना हो रहा होगा, 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा हो रहा होगा। अब चूंकि ऐसे कौन से क्षेत्र होंगे ये यहाँ पर 200 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश हो रही होगी, तो पश्चिमी घाटों से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र हैं ये, जो पश्चिमी घाट हो गया अपना, ये पार्ट हो गया पश्चिमी घाट का। अब ये इंडिया का मैप आप अगर थोड़ा सा समझ पा रहे होंगे तो मैं बताते चला हूँ, ये पश्चिमी घाट आपके हो गए। अब ये लक्षद्वीप यहाँ पर देख रहे हैं, अंडमान निकोबार हो गया, यहाँ सब पहले आता है। अब यहाँ पर ही कल अगर आप मानसून का चैप्टर देखे होंगे तो उसमें आपको पता चला होगा, यहाँ पर जो है असम का क्षेत्र था, तो असम के क्षेत्रों में पाए जाते हैं, यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है। इसीलिए जो है अब इम्पोर्टेंट ये है कि वर्षा होती है यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन यहाँ पर आप ये एग्जाम्पल को जरूर ध्यान में रखिए। अब देखिए यहाँ के वन जो होते हैं 60 मीटर या इससे भी अधिक होते हैं, गर्म एवं आर्द्र मौसम होता है यहाँ पर, वृक्ष झाड़ियां लताएं पाई जाएंगी क्योंकि हमेशा बारिश हो रही है। हमने यही बनाने की कोशिश किया है, यहाँ पर समझाने का कोशिश किया है कि ऐसे वन जो होते हैं। अब एग्जाम्पल जो था आबनूस, जिसे बोलते हैं एबोनी, महोगनी, रोजवुड, रबड़ और सिंकोना, और वर्षा वन में ही तो पाए जाएंगे, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, यही एग्जाम्पल दे के पूछते हैं और हमेशा गलत हो जाता है लोगों का। आबनूस, महोगनी, रोजवुड, रबड़ और सिंकोना उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन या वर्षा वन बोल सकते हैं, या पर्णपाती वन बोल सकते हैं। इसमें भी पर्णपाती वन के बारे में आगे पढ़ेंगे हम। इसमें जो जानवर पाए जाएंगे, हाथी, बंदर, लेमूर और हिरण है, एक सिंग वाले गैंडे जो असम के क्षेत्र में पाए जाते हैं और पश्चिम बंगाल के दलदली क्षेत्र में मिलते हैं, ये सब। इतना हो गया। अब देखिए हमने उसी को ही जो है मैप पे देखने की कोशिश किया है, तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन अभी हमने बताया कि जहां पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होगी। अब देख रहे हैं यहाँ पर ये असम का पूरा क्षेत्र हो गया, 250 सेंटीमीटर के लगभग बारिश होती है। अब ये देखिए यहाँ पूरा, यहाँ पर मानसून का आगमन होता है इसीलिए, तो ये सब क्षेत्र जो है यहाँ पर सदाबहार वन पाए जाएंगे उष्णकटिबंधीय। अब उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर 70 से 100 सेंटीमीटर तक की बारिश होती है। अब देखिए पूरा ये ज्यादातर क्षेत्रों में अपने यहाँ ये मौसमी होते हैं, इसीलिए ऐसा है कि मानसून के आगमन की वजह से ऐसा होता है, तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। अब पर्वतीय वन आप यहाँ देख लीजिए, जहाँ पर शंकुधारी वृक्ष पाए जाते हैं, यहाँ पर भी पर्वत जहाँ पर है। मैंग्रोव वन हमने बोला था, मैंग्रोव वाला देखिए ये भाग है, यहाँ पर सैलाइन वाटर अगर पाए जाएंगे तो आप देखेंगे सैलाइन वाटर की वजह से ये मतलब नमकीन जल होता है और दलदली भूमि यहाँ पाई जाती है, जैसे वेस्ट बंगाल का क्षेत्र था। उष्णकटिबंधीय कटीले वन की बात कर रहे हैं, उष्ण है, उष्ण का मतलब पहले समझ लीजिए, उष्ण का मतलब हो गया गर्म, ठीक है। तो कटीले वन पाए जाएंगे, जहां पर 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होगी वहां पर कटीले वन पाए जाएंगे, जैसे राजस्थान का क्षेत्र है ये, राजस्थान के क्षेत्रों में। तो आप समझ पा रहे होंगे कि कहाँ पर ज्यादा तापमान हो रहा है, तो वहां पर बारिश की वजह प्रभावित हो रहा है, बारिश की वजह से
वनस्पति, जलवायु, हर चीजें प्रभावित होती है, मनुष्य भी प्रभावित होता है, जीव जंतु वहां के। अब अभी तक हमने वर्षा वन के बारे में पढ़ लिया था, सदाबहार जो है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन के बारे में आप जान लीजिए कि मानसूनी वन भी कहे जाते हैं, जो अभी हमने कहा कि ये बहुत सारे जो क्षेत्र थे ये इंडिया के, ये जो ज्यादातर इतना क्षेत्र था, ये सब क्षेत्र जो थे ज्यादातर यहाँ पर बीच में छोड़ दिया जाए, तो ये थे उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। यहाँ पर 70 से 200 सेंटीमीटर तक बारिश होती है, ठीक है। वृक्ष जो होंगे शुष्क ग्रीष्म ऋतु में 6 से 8 सप्ताह के लिए अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। अब देखिए जैसे यहाँ बसंत का मौसम जब आता है तभी, उसके बाद आप देखेंगे कि वनों के आर्द्र तथा शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। अब इसमें भी आर्द्र और शुष्क पर्णपाती पाए जाते हैं, हमने यही पकड़ दिया, टू टाइप्स के होते हैं आर्द्र और शुष्क। अब 100 सेंटीमीटर से लेकर 200 सेंटीमीटर तक जो पाए जाएंगे, जहां पर वार्षिक वर्षा मतलब वर्षा जो होती है इतना होता है वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर तक, वहां पर जो पाया जाएगा आर्द्र रहेगा, नम रहेगा। और शुष्क की बात करें तो 70 से लेकर 100 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। महत्वपूर्ण तो यह है कि यहाँ पर जो क्षेत्र की बात करें, अगर हम 100 से 200 सेंटीमीटर वाले क्षेत्र कौन से होंगे, तो उत्तर पूर्वी राज्य हैं, हिमालय के गिरिपद हैं, और यहाँ पर जो झारखंड है, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम घाटों और पूर्वी ढालों में पाए जाते हैं। यहाँ की वृक्ष जो होगी सागौन, इन वनों की सबसे प्रमुख वृक्ष होती है, सागौन का लकड़ी भी बहुत महत्वपूर्ण है हम लोग के लिए। यहाँ पर बांस, साल, शीशम, चंदन, रवेर, कुसुम, अर्जुन, सहतूत के वृक्ष पाए जाते हैं। आप इसको समझ रहे हैं कि यहाँ पर 100 से 200 सेंटीमीटर के बारिश हो रही है। वहीं शुष्क पर्णपाती वन की बात जब कर रहे थे हम, 70 से 100 सेंटीमीटर की बारिश कर रहे थे, तो वहां पर जो है सागौन, साल, पीपल, नीम के वृक्ष पाए जाते हैं। लेकिन ये क्षेत्र कौन से होंगे, उत्तर प्रदेश, बिहार के मैदानी क्षेत्र हैं ये, जहाँ पर इतनी बारिश होती है। अब आप इसको सुनते रहिए, एक बार और सुन लेंगे तो काफी समझ में आ जाएगा, और क्वेश्चन यहीं से पुटअप होता है, मैंने यहाँ पर लिख दिया था, आप जाके आज ही यूपीएससी का जो वो क्वेश्चन था इसको देखिएगा, या सर्च करेंगे मिल जाएगा। कटीले वन, अब कटीले वन की बात करें अगर हम, यहाँ पर कटीले वन और झाड़ियाँ, खैर हम यहाँ पर वो भी देख लेते हैं कि यहाँ पर किस टाइप के जानवर पाए जाएंगे इस क्षेत्रों में, तो सुअर, हिरण, हाथी, सिंह, शेर, छिपकली, सांप, कछुए, यही सब पाए जाएंगे, पक्षी भी पाए जाएंगे। कटीले वन और झाड़ियाँ कहाँ पर पाए जाते हैं, जो राजस्थान का क्षेत्र हमने बताया था यहाँ वाला, तो आपने देखा कि यहाँ पर 70 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है, कटीले वन और झाड़ियां पाई जाएंगी। इनकी जो जड़ें होंगी वो फैल ज्यादा गहराई तक जाती हैं, क्योंकि पानी की तलाश करती हैं ये। और ये ऐसा कौन सा क्षेत्र होता है, गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तर पश्चिम के भाग में, उत्तर प्रदेश में भी पाए जाते हैं, हरियाणा है, अर्ध शुष्क क्षेत्र सम्मिलित है। अब इसके जो एग्जाम्पल है, अकाशिया है, खजूर जिसे पाम बोलते हैं, यूफोरबिया है, यूफोरबिया तथा नागफनी है, कैक्टस जिसे, ये सबसे फेमस है, मुख्य पादप है। इन वनों के वृक्ष बिखरे हुए होते हैं, जड़ें लंबी होती हैं, जल की तलाश में चारों ओर फैली होती हैं, पत्तियां छोटी छोटी होती हैं जिससे वाष्पीकरण कम हो, और शुष्क भागों में झाड़ियां और कटीले पाई जाती हैं। आपने यहां तक देख लिया। अब एग्जाम्पल अगर हम देखें तो आप छोटे छोटे जानवर यहाँ देखेंगे, चूहे, खरगोश, लोमड़ी, भेड़िया, शेर, सिंह, जंगली गधा, घोड़े और ऊंट पाए जाते हैं। अब पर्वतीय वनों की बात कर लें, जो आपने देखा था हिमालय क्षेत्रीय भागों में, ये था हिमालय क्षेत्रीय भागों में, तो तापमान में कमी रहती है यहाँ पर, ऊंचाई के साथ साथ प्राकृतिक वनस्पति में भी अंतर आ जाता है। अब उष्णकटिबंधीय प्रदेशों की से टुंड्रा की ओर देखते हैं। अब ये ऊपर जैसे जैसे जाएंगे तो ये टुंड्रा वाले प्रदेश आ जाएंगे, जहाँ पर वनस्पतियां लगभग ना के बराबर होती हैं। अब इसको भी हम आगे एक्सप्लेन किया है एक डायग्राम के माध्यम से, उसको समझाएंगे। उसी प्रकार अंतर पर्वतीय भागों में ऊंचाई के साथ साथ मिलता रहता है, आप देख रहे हैं यहाँ पर पर्वतीय क्षेत्रों में यही दिखाए हैं। अब यहाँ पर खास बात क्या होगी कि 1000 से 2000 मीटर तक की ऊंचाई वाले क्षेत्र आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाएंगे। 1500 से 2000, अब इतना अगर चलिए पढ़ देते हैं, आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। इनमें चौड़ी पत्ती, ओक और चेस्टनट जैसे वृक्ष की प्रधानता होती है। वहीं 1500 से 3000 की बात करें तो शंकुधारी वृक्ष पाए जाते हैं, चीड़ जिसे पाइन बोलते हैं, देवदार, सिल्वर फर, स्प्रूस, सीडर आदि पाए जाते हैं। और ये वन प्रायः हिमालय की दक्षिणी ढलानों और दक्षिणी पूर्वी भारत में अधिक ऊंचाई पर मिलते हैं। वहीं शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान भी पाए जाएंगे। वहीं 3600 मीटर से अधिक की ऊंचाई की बात करें, जो शीतोष्ण कटिबंधीय वनों और घासों के मैदानों का स्थान अल्पाइन वनस्पति ले लेती है, जिसमें अल्पाइन वनस्पति कौन से होते हैं, सिल्वर फर, जूनिफर, पाइन व बर्च, ठीक है। अब यहाँ पर इन वृक्षों की मुख्य वृक्ष है जिसमें हिम रेखा के निकट जो पहुंचते हैं, और इन वृक्षों में आकार छोटे होते हैं, झाड़ियों के रूप के बाद अल्पाइन घास के मैदानों में विलीन हो जाते हैं। जो गुज्जर और बकरवाल जैसे घुमक्कड़ जातियां पशुचारण के लिए जाते हैं यहाँ पर।
अब अधिक ऊंचाई वाले भागों में मांस, लीचन, घास, टुंड्रा वनस्पति का एक भाग है। अगर यहाँ पर हम बात करें कि कश्मीरी महामृग, चित्रा हिरण, जंगली भेड़, खरगोश, तिब्बती बारहसिंगा, याक, हिम, तेंदुआ, गिलहरी, रीछ, आइस बैक्स, कहीं कहीं लाल पांडा, घने बालों वाले भेड़ बकरियां पाई जाती हैं, ऐसे क्षेत्रों में ऐसे ही पाए जाएंगे जो वहां पर सरवाइव कर सके। उसके बाद अब मैंग्रोव की बात करें। अब मैंग्रोव में हमने कहा कि ये समुद्र के किनारे या ऐसे जगह पर पाए जाएंगे जहाँ सैलाइन वाटर रहे। सैलाइन मतलब नमकीन पानी रहता है, नमक ज्यादा लवणता रहती है उसमें, तटों के किनारे रहते हैं ये घने। मैग्रोव एक प्रकार की वनस्पति है जिसमें पौधे की जड़ें पानी में हमेशा डूबी रहती हैं। अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट सेक्शन था कि गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों के डेल्टा भाग में यह वनस्पति ज्यादा पाई जाती है। अब गंगा, ब्रह्मपुत्र डेल्टा में जो सुंदरी वृक्ष है, जो सुंदरवन है अपने यहाँ, वो सुंदरी वृक्ष के कारण फेमस है, इसीलिए वहां पर पाए जाते हैं। वो कहाँ पर, किस डेल्टा पे? गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा पे है, वेस्ट बंगाल, जिनमें मजबूत लकड़ी प्राप्त होती है, जिनसे नारियल, ताड़, केवड़ा, एंगार के वृक्ष भी इन्हीं भागों में पाए जाते हैं। रॉयल बंगाल टाइगर भी ये फेमस है, कछुए, मगरमच्छ, घड़ियाल भी पाए जाते हैं, सांप भी पाए जाते हैं। तो खैर, हम इतनी बातें जो बोले अभी तक, इसमें आप देख लिए उष्णकटिबंधीय वनस्पति है 900 मीटर तक, फिर ऊपर जाएंगे। अब पश्चिम और पूरब दो भागों में अगर हम हिमालय को डिवाइड करके देख लें तो 900 मीटर ये हमने हाइट लिखी है, तो 900, 1800, 2700, 3300 ये उष्णकटिबंधीय वनस्पति पाए जाएंगे 900 मीटर तक। अगर उसके 900 से 1800 के बीच में जाएंगे तो पश्चिम की तरफ उपोष्ण पाए जाएंगे और पूरब की तरफ आर्द्र पर्वतीय वनस्पति मिलती है। और वहीं पश्चिम की तरफ बात करें 1800 मीटर से 2700 मीटर तक तो समशीतोष्ण पाए जाएंगे वनस्पति और पूरब की तरफ पर्वतीय वन पाए जाएंगे। और फिर 2700 से 3300 के बीच में बात करें तो शंकुधारी वनस्पति पाए जाएंगे और फिर उसके ऊपर टुंड्रा जो 4000 मीटर है, 4000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर रहते हैं। इसकी खास बात क्या होती है कि सदाबहार वन जहाँ पाए जाएंगे, फिर उसके बाद अर्धसदाबहार वन, हमने कहा ना वर्षा मतलब पानी की मात्रा में जैसे जैसे आप इधर आएंगे कमी होती जाएगी। तो देखिए सदाबहार वन यहाँ पाए जाएंगे, फिर अर्धसदाबहार वन में वनस्पति पाई जाएगी, उसके बाद आर्द्र पर्णपाती वन में, फिर शुष्क पर्णपाती वन में, फिर कटीले एवं सवाना में, यहाँ पर सबसे कम बारिश होती है, जो बताया कि हम 70 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है, और यहाँ पर आप समझ लीजिए 250 सेंटीमीटर से ज्यादा होती है, इसीलिए इतना अंतर आ जाता है। तो यहाँ पर वनस्पतियां, यहाँ पर आप देखेंगे सदाबहार वनों में वनस्पतियां, तो वनस्पतियों का विविधता तो होता ही है, साथ में आप देखेंगे कि प्राणियों में भी विविधता आती है। उसके बाद वन्य प्राणी की बात करते हैं, अभी तक वनस्पतियों के बारे में बात की है, अब वन्य प्राणी की बात करते हैं। तो इतना मत पढ़िए वन्य प्राणियों के बारे में, वन्य प्राणी स्तनधारी जानवरों में, अब देखिए इतना भी अगर आप फैक्ट के साथ जाना चाहते हैं इसमें, जो कि अब अपडेटेड नहीं है ये, तो इतना महत्व नहीं है इसका। यहाँ पर आप देखें कि स्तनधारी जानवरों में हाथी सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, ये असम, कर्नाटक और केरल के उष्ण और आर्द्र वनों में पाए जाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण है कि उष्ण और आर्द्र वन में ही ये सब ज्यादातर महत्वपूर्ण प्रजातियां पाई जाती हैं। उसके बाद कहें एक सिंह वाले गैंडे और अन्य जानवर जो पश्चिम बंगाल और असम के दलदली क्षेत्रों में रहते हैं, कच्छ, केरल में थार मरुस्थल में क्रमशः जंगली गधे और ऊंट पाए जाते हैं, भारतीय भैंसा, नील गाय, चौंग, सिंघा, छोटा मृग, गैजल जिसे बोलते हैं, तथा विभिन्न प्रजातियां वाले हिरण आदि कुछ अन्य जानवर भारत में पाए जाते हैं। बंदर भी, बंदर की भी अनेक प्रजातियां पाई जाती हैं। जो वाइल्ड लाइफ एक्ट आया था इंडिया में, मतलब भारत जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 में आया था, भारत विश्व का अकेला देश है जहाँ शेर और बाघ दोनों पाए जाते हैं। अब यही चीज यहाँ पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बर्ड सेंचुरी, नेशनल पार्क ये सब दिया है। तो उत्तर प्रदेश का देख लीजिए आप, चंद्रप्रभा दिया है यहाँ पर, ठीक है, ये कारवेट, राजा जी, दाचिंगम, सरिस्का, केवलादेव, रणथंभौर, शिवपुरी, तो है सिमलीपाल। सिमलीपाल इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि अभी आगे क्वेश्चन दिया है सिमलीपाल पे, और काजीरंगा मानस, उसके बाद आपका कौन सा था, दुधवा ये लिखा है, कान्हा इसमें नहीं दिया है, नहीं दिया है, फिर आगे देखते हैं हम लोग। खैर, लद्दाख की बर्फीली ऊंचाइयों में याक पाए जाते हैं। कुल मिला के ये दिखाना चाह रहे हैं ये कि अब प्रजातियां कौन कौन सी कहाँ कहाँ पाई जाती हैं। तो पश्चिम बंगाल के सुंदरवन और हिमालयी क्षेत्र में पाए जाते हैं। बिल्ली जाति के सदस्यों की तेंदुआ में या शिकारी जानवरों में प्रमुख है पश्चिम बंगाल में। बाघ मध्य प्रदेश झारखंड के वनों में पश्चिम बंगाल यहाँ से पाए जाते हैं। हिमालयी क्षेत्रों में बात करें तो अपेक्षाकृत कठोर जलवायु को सहन करने वाले जो जानवर हैं बर्फीली याक पाई जाएगी। यहाँ पर गुच्छेदार सिंहों वाला बैल पाया जाएगा जिसका भार लगभग 1 टन होता है। तिब्बती बारहसिंगा भारल जिसे नीली भेड़ कहते हैं, जंगली भेड़ तथा कियाग, ठीक है, कियाग
तिब्बती जंगली गधे होते हैं, कियाग अगर कहा जाएगा, इसको जान लीजिए। तिब्बती जंगली गधे होते हैं, यहाँ पाए जाते हैं हिमालयी क्षेत्रों में। लाल पांडा तो हमने बताया अभी। उसके बाद है नदियां, झीलें, समुद्री, ये सब पाए जाएंगे। कछुए, मगरमच्छ और घड़ियाल प्रजातियों की विविधता को ये दर्शा रहे हैं। तो आप सबसे पहले आप थीम को पकड़ने की कोशिश किया कीजिए कि एनसीईआरटी में कि क्या कहना चाह रहा है। इस थीम को जब पकड़ लेंगे तो आपको एनसीईआरटी ज्यादा क्लियरिटी के साथ समझ में आएगा। तो थीम पकड़ने की कोशिश करिए, क्योंकि आज के क्वेश्चन भी जो बन रहे हैं थीम बेस्ड बन रहे हैं। अब यहाँ पर कह रहे हैं प्रवासी पक्षी के एक टर्म को एक्सप्लेन किए हैं। तो जो जैसे अनुकूल जलवायु जहां पर पाएंगे, अनुकूल जलवायु वहां पर पलायन कर जाते हैं पक्षियां। तो जैसे कि एक फेमस एग्जाम्पल है शीत ऋतु में साइबेरियन सारस, जो कच्छ के रण में भी जाते हैं और प्रयागराज में भी जो है ठंडियों के मौसम में आ जाते हैं। वहीं और बात कर ले लाल सुंदर कलंगी वाली फ्लेमिंगो जो होता है, हजारों की संख्या में आते हैं। खारे कीचड़ के ढेर बनाकर इसमें घोंसले बनाते हैं, बच्चों को पालते हैं। तो ऐसे हैं एग्जाम्पल पलायन करते हैं। जो और यहाँ पर महत्वपूर्ण एक चीज था कि पादप और जीव संपत्ति को सुरक्षा देने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं, जिसमें एक देश में 18 जीव मंडल नीचे हैं, आरक्षित क्षेत्र हैं, जिसमें स्थापित किए गए हैं उसमें 10 सुंदरवन। इनमें से जो है 10 सुंदरवन नंदा देवी, मन्नार की खाड़ी, नीलगिरी, नाकरेक, ग्रेट निकोबार, मानस, सिमलीपाल, पंचमढ़ी, अचन अचन कमर, अमरकंटक की गणना विश्व के जीव मंडल नीचे में की जाती है। ये है सुंदरवन, मन्नार की खाड़ी, नीलगिरी, नंदा देवी, नौकरेक, ग्रेट निकोबार, मानस, सिमलीपाल, दिहांग दिबांग, डिब्रू साइकोवा, अगस्त मलाई, कंचनजुंगा, पंचमढ़ी, अचानक कमर, अमरकंटक, कच्छ, ठंडा रेगिस्तान, सेसाचलम, पन्ना। 1972 में सरकार द्वारा कुछ पादपों को भी उद्योग वित्तीय तथा तकनीकी सहायता से योजना में लाया था। उसके बाद फिर यही सब है, से संरक्षण, गैंडा संरक्षण, अनेक अनेक परियोजनाएं चलते हैं। ये सब अपडेट अपडेटेड करिए आप, ठीक है। कई परियोजनाएं चलते हैं वन्य जीव प्राणियों पर। इसके बाद जो अहम है यहाँ पर, अब क्वेश्चन था यहाँ, तो क्वेश्चन की बात कर लें। रबड़ का सबसे ज्यादा आप देख रहे हैं उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में ही पाए जाएंगे। सौ सिंकोना का वृक्ष जिसे शीशम वाला बोलते हैं, तो 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले उसमें पाएंगे। सिमलीपाल जीव नीचे की बात कर रहे थे, तो ओडिशा है, ओडिशा में पाए जाएंगे। और भारत में कौन सा जीव मंडल, ये क्वेश्चन गलत था, तो हमने यहाँ करेक्ट किया, क्योंकि इंग्लिश वाले उसमें बुक में सही दिया है, नहीं पाए जाएंगे, नहीं मिलते हैं, तो वहां पर मानस था, बाकी सब जो है विश्व में। उसके बाद हम जनसंख्या की बात करते हैं, पॉपुलेशन, ठीक है। तो जनसंख्या संबंधित तीन प्रमुख प्रश्न जो आएंगे, जनसंख्या का आकार एवं वितरण की बात करते हैं, उसमें क्या होगा कि लोगों की संख्या कितनी है और वे कहाँ निवास करते हैं। जनसंख्या वृद्धि और जनसंख्या परिवर्तन की प्रक्रिया की बात करते हैं। जनसंख्या के गुण और विशेषताएं की बात करेंगे उसमें, और इसमें क्या होगा, गुण और विशेषताओं में उम्र, लिंगा अनुपात, साक्षरता दर, व्यावसायिक संरचना और स्वास्थ्य की अवस्था को, यही तीन पॉइंट को पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे। और यही पूरे तीन पॉइंट को ही एग्जामिनर पूछता है अलग अलग रूप में। अब हमने सबसे पहले कहा ना कि जनसंख्या के आकार एवं वितरण की बातें जब करेंगे हम, तो जनसंख्या के आकार और वितरण में हम सबसे पहले देखें तो 2000 जो भी हमारा यहाँ जनगणना का बात होगा, जनगणना का जन जो भी जनगणना की बात होगी, ठीक है, अब वो 2011 की बात होगी, 2011 की बातें होंगी, क्योंकि अभी तक का जो है हो चुका है लेकिन आया नहीं है, तो इसलिए 2011 से ही क्वेश्चन पूछेगा। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि भारत की जनसंख्या 12,106 लाख थी 2011 में, जो विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% थी। और 12.1 करोड़ लोग भारत के 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर में रहते हैं, जो विश्व का 2.4% है, और विशाल क्षेत्र में समान रूप से वितरित ही है। लेकिन जनगणना का तो थोड़ा सा इतिहास की बात कर रहे हैं, तो जनगणना किसे कहते हैं कि जनसंख्या की आधिकारिक गणना जनगणना कहलाता है। यह 1872 की जनगणना की गई थी भारत में सबसे पहले, और हालांकि 1881 में पहली बार एक संपूर्ण जनगणना की गई थी, और 10 वर्ष पर जनगणना की जाती है। जनगणना जनसंख्या की सामाजिक और आर्थिक आंकड़ों को सबसे बृहत स्रोत है ये। उसके बाद देखिए, जो हमने अभी ऊपर जनसंख्या और क्षेत्रफल की बात किया था विश्व के, तो हमने कहा विश्व का 82.5% है ये पूरा टोटल, तो वहीं भारत 17.5% की आबादी है, यहाँ जनसंख्या है। क्षेत्रफल की बात करें तो 2.4% पूरे विश्व का है, और वहीं सबसे
जो जरूरी है कि 2011 की जनगणना के अनुसार देश के सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य जो है उत्तर प्रदेश है, जहां पर 1990 लाख है लोग, लगभग 2000। उत्तर प्रदेश के देश की कुल जनसंख्या का 16% हिस्सा निवास करती है उत्तर प्रदेश में ही। हिमालयी क्षेत्रों में बात करें तो सिक्किम में 6 लाख ही टोटल है। लक्षद्वीप में केवल 64,429 लोग निवास करते हैं। अब भारत की आधी आबादी केवल 5 राज्यों में निवास करती है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान सबसे बड़ा है, यहाँ की आबादी 5.5% है। और जनसंख्या घनत्व के आधार पर देखें अगर हम, तो प्रति इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। 2011 में बात करें तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है, जनसंख्या घनत्व बोलते हैं इसे। जिसमें अगर देखें तो बिहार की जनसंख्या सबसे ज्यादा है, 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में। वहीं सबसे कम करें तो अरुणाचल प्रदेश में 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में। उसके बाद फिर डाउन में जाए, नीचे आए तो आप देख रहे हैं, बाकी ये सब ऐसे ही बताएं कि आप पता करिए क्यों है ऐसा है। उत्तरी मैदानी भागों में देख लें और दक्षिण में केरल की बात कर लें तो जनसंख्या घनत्व अधिक है। इसका रीजन है कि समतल मैदान है, उपजाऊ मिट्टी है और पर्याप्त मात्रा में वर्षा होती है। इसी का पूरा एग्जाम्पल यहाँ दिए हैं। उसके बाद हम बात करें जनसंख्या वृद्धि की और जनसंख्या परिवर्तन की। जनसंख्या वृद्धि और जनसंख्या परिवर्तन की प्रक्रिया, तो परिवर्तन की 3 प्रक्रिया है, जन्म, मृत्यु और प्रवास। लेकिन जनसंख्या परिवर्तनशील होती है, संख्या वितरण और संगठन में लगातार परिवर्तन होता है आबादी की। तो जनसंख्या वृद्धि की बात करें, इसका अर्थ क्या होगा कि किसी विशेष समय अंतराल में, जैसे कि हमारे यहाँ 10 वर्ष में होता है, किसी देश या राज्य में निवासियों की संख्या में परिवर्तन। ये 2 प्रकार से व्यक्त किया जाता है, पहला है सापेक्ष वृद्धि और दूसरा है प्रतिवर्ष होने वाली वृद्धि। यहाँ पर जो टर्म समझने वाली बात है, जैसे सापेक्ष वृद्धि या निरपेक्ष वृद्धि जिसे बोलते हैं, कि पहले की संख्या को बाद की संख्या से घटा देंगे तो निरपेक्ष वृद्धि आ जाएगी। उसके बाद हम यहीं पर बात करें दूसरा महत्वपूर्ण पहलू, जो प्रतिवर्ष प्रतिशत में किया जाता है, जो दूसरा महत्वपूर्ण पहलू था, प्रतिवर्ष प्रतिशत में किया जाता है। जैसे इन्होंने बताया, यहाँ पर हम करेंगे प्रतिवर्ष जो प्रतिशत में किया जाएगा वो 100 व्यक्तियों पर किया जाएगा, ठीक है, प्रति वहां के किसी वर्ष की मूल जनसंख्या में प्रत्येक 100 वर्षों पर, जो किसी वर्ष की जो है मूल जनसंख्या में प्रत्येक 100 व्यक्तियों पर दो दो व्यक्तियों की वृद्धि बता रहे हैं ये एग्जाम्पल के थ्रू, कि 2% अगर वृद्धि हुई है तब का अर्थ हुआ। तो अब यहाँ पर देखेंगे अगर आप, तो सारणी को 1951 से 1981 तक जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर बढ़ रही थी, जनसंख्या में तीव्र वृद्धि की व्याख्या करता है। 1951 से 1951 में 3610 लाख से 1981 में 6830 लाख हो गई थी। अब 1981 से वृद्धि दर धीरे धीरे कम हो रही है, इस दौरान जन्म दर में तेजी से कमी आई थी। फिर भी जो है 1990 में कुल जनसंख्या 1,1820 लाख हो गया था। जब विशाल जनसंख्या में कम वार्षिक दर लगाया जाता है तो इसमें सापेक्ष वृद्धि अधिक होती है। जब हम बहुत बड़े जनसंख्या में ये सब करते हैं, वार्षिक दर लगाते हैं, जो कि यहाँ पर बताए, तो इसमें सापेक्ष वृद्धि बहुत अधिक हो जाएगी, ठीक है। अब उसके बाद हम फिर बात करें यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि और परिवर्तन की प्रक्रिया, तो इसमें 3 प्रमुख कारण है, जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास, जो जिसमें सबसे अहम है प्रवास। जन्म दर और मृत्यु दर के बीच का अंतर जनसंख्या का प्राकृतिक वृद्धि कहलाता है। लेकिन जन्म दर किसे कहते हैं, जन्म दर जिसे बोलते हैं, 1 वर्ष में प्रति 1,000 व्यक्तियों में जितने जीवित बच्चों का जन्म, प्रति वर्ष जन्म हुआ है, जन्म हुआ है इसमें, तो वो हो गया जन्म दर। अब मृत्यु दर हो गया यही 1,000 में जो है प्रति वर्ष जितने मृत्यु हुई है उसमें हो गया। चूंकि अब मृत्यु दर में गिरावट आई है तो जन्म दर वृद्धि हो ही रही है। 1980 तक उच्च जन्म दर और मृत्यु दर में लगातार गिरावट के कारण जन्म दर और मृत्यु दर में काफी बड़ा अंतर आ चुका है। तो तीसरा घटक जो बात कर रहे हैं प्रवास की, और प्रवास एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चले जाने को प्रवास कहते हैं। ये देश के अंदर भी होता है जिसे आंतरिक बोलते हैं, और देश के बाहर भी होता है अंतर्राष्ट्रीय बोलते हैं। लेकिन ये इससे जो है बहुत ज्यादा मात्रा में जनसंख्या प्रभावित होती है, ठीक है, किसी स्थान पे जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करती है। जनसंख्या तो प्रभावित नहीं करेगी, आंतरिक रहेगा तो बिल्कुल नहीं प्रभावित होगी, क्योंकि काउंटिंग तो उतना ही हो जाएगा, लेकिन वहां के संसाधनों पर प्रभाव पड़ता है। अब क्या होगा कि भारत में अधिकतर प्रवास जो होते हैं ग्रामीण से शहरी होते हैं। अब ग्रामीण से शहरी जो होगा, अब यहाँ पर टर्म जो समझिए आप, ग्रामीण से शहरी,
तो इसे बोलते हैं जो है, इसे प्रवास बोलते हैं। प्रवास की पहले बात कर ले हम, जो प्रवास हो रहा है ग्रामीण से शहरी की तरफ, तो अपकर्षण ठीक है, पुश बोलते हैं। पुश फैक्टर काम करता है यहाँ पर, कारक प्रभावी होता है पुश फैक्टर। ऐसा क्यों है? क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी एवं बेरोजगारी की प्रतिकूल अवस्थाएं हैं। और वहीं नगर की बात करें, नगर का जो होता है यहाँ पर पुल फैक्टर काम करता है। पुल फैक्टर हम लिख दे रहे हैं, पुल फैक्टर मतलब अपकर्षण ये लिखा है तो अभिकर्षण ये हो जाएगा। अभिकर्षण यहाँ पर संसाधन हर चीजें जो है ग्रामीण की तुलना में ज्यादा है, मतलब उपलब्ध है। अब इसमें क्या होगा कि यहाँ पर जीवन स्तर भी अच्छा होता है। प्रवास जनसंख्या परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण कारक तो है ही, घटक है ही। केवल जनसंख्या के आकार को ही प्रभावित नहीं करता यहाँ, बल्कि उम्र, लिंग, दृष्टिकोण से नगरीय और ग्रामीण जनसंख्या की संरचना को भी प्रभावित करता है। जैसे 1951 में जो है 17.29% नगरीय जनसंख्या थी, तो 2011 में बात करें तो 31.80% हो गई थी। तो वही है, आयु संरचना की बात कर लेते हैं। आयु संरचना ठीक है, एज स्ट्रक्चर। तो बच्चों की बात करते हैं, 15 वर्ष से कम होते हैं, जो उत्पादनशील नहीं होते हैं, मतलब इन्हें सब कुछ जरूरत होती है, जैसे भोजन, वस्त्र, स्वास्थ्य सुविधाएं, जो भी बेसिक नीड होती है वो सब जरूरत होती है। वयस्क की बात करें तो 15 से 61 वर्ष माना जाता है। तो इसमें आर्थिक रूप से उत्पादनशील होते हैं, जो जैविक रूप से भी प्रजननशील होते हैं, जनसंख्या का कार्यशील वर्ग है। और वहीं वृद्ध की बात करें, जो 59 वर्ष से अधिक के होते हैं, वो उत्पादनशील या अवकाश प्राप्त होते हैं, उनकी मर्जी है, वो चाहे करें चाहे ना करें ठीक है, वो लेकिन नियुक्त नहीं हो सकते, अपना बिजनेस कर सकते हैं। तो ये चीजें थी इसमें। उसके बाद लिंग अनुपात की बात करते हैं, जिसे बोलते हैं सेक्स रेशियो ठीक है, लिंग अनुपात। अनुपात अब ये क्या होता है कि प्रति 1,000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या की बात करते हैं। 1,000 पुरुषों पर महिला ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए, 1,000 पुरुषों पर जो है महिलाओं की संख्या है ये। उसके बाद हम यहाँ केरल का एक एग्जाम्पल दिए हैं कि 1,000 पुरुषों पर 1,084 महिलाएं, और पुडुचेरी में वहीं देखा जाए तो 1,000 पे 138 है, और दिल्ली में वहीं पर देख लें अगर तो 1,000 पे 866 है, और हरियाणा में जो सबसे कम है 1,000 पे 187 है, 1,000 पे 877 है ठीक है। तो यहाँ पर सर्वाधिक कम है। उसके बाद हम लिंग अनुपात देख लिए, साक्षरता दर देख लेते हैं। जहां पर सब लोग साक्षर होंगे वहां पर जो है जनसंख्या वृद्धि तो होगी होगी, वहां पर सेक्स रेशियो पर भी ज्यादा प्रभाव पड़ता है। जैसे केरल एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहाँ पर सर्वाधिक साक्षर लोग हैं, तो यहाँ पर जो है लोगों को पढ़ाते हैं इसीलिए। अब वहीं भारत की बातें करें, खैर उससे पहले हम जो बात कर लें साक्षरता दर जो है, साक्षर किसे हम बोलेंगे, तो 2011 की जनगणना के अनुसार बात करेंगे। एक व्यक्ति जिसकी आयु 7 वर्ष या उससे अधिक है, जो किसी भी भाषा का समझ कर लिख या पढ़ सकता है, उसे साक्षर की श्रेणी में रखा जाएगा। और 2011 की जनगणना के अनुसार जो है 73% साक्षर थे। वहीं पुरुषों की बात करें तो 80.9% और महिलाओं की 64.6% है। अब व्यावसायिक संरचना की बात करें, तो आर्थिक रूप से क्रियाशील जनसंख्या का प्रतिशत विकास का एक महत्वपूर्ण सूचक तो होता है। अब व्यावसायिक संरचना में प्राथमिक होते हैं, द्वितीयक होते हैं और तृतीयक होते हैं। और प्राथमिक में कौन से आते हैं, जो कृषि, पशुपालन, वृक्षारोपण, मछली पालन या खनन आदि क्रियाओं में शामिल होते हैं। द्वितीयक में बात करें तो उद्योग, भवन एवं निर्माण संबंधी कार्यों में लगे होते हैं, और तृतीयक में परिवहन, संचार, वाणिज्य, प्रशासन एवं सेवाएं शामिल हैं। ये आप समझ गए होंगे, यही चीजें वहां पर लिखी थी। अब स्वास्थ्य के क्षेत्र में बात करें हम, तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में जैसा कि हम पहले बता चुके कि एक महत्वपूर्ण घटक तो है ही, लेकिन इसमें क्या है, मृत्यु दर कम हो जाएगा, मृत्यु दर कम होगा, जन्म दर में वृद्धि हो जाएगी, ये भी कंट्रोल किया जा रहा है, बट जो मृत्यु दर बढ़ जाए कम हो जाएगा, तो जनसंख्या स्वास्थ्य अगर सुविधा अच्छा है तो इसमें यही लिखा है, जैसे कुपोषण से प्रभावित नहीं होंगे, शुद्ध पीने का पानी मिल जाएगा, बेसिक सुविधाएं मिल जाएंगी वहां पर, तो ये सब उपलब्धता की वजह से जन्म दर में वृद्धि हो जाएगी, जनसंख्या में वृद्धि होगी। फिर किशोर जनसंख्या की बात करते हैं, जो कि 10 से 19 वर्ष की आयु के होते हैं जो ज्यादातर, ऐसे पोषक तत्वों की आवश्यकताएं होती हैं, वयस्कों से अधिक ही होती हैं इनके बच्चों, क्योंकि इनका विकास चल रहा होता है, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, हर प्रकार का विकास चल रहा होता है किशोरावस्था में, तो इन्हें अत्यधिक भोजन की और पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। उसके बाद ये यही सब लिखा है यहाँ पर किशोरावस्था के बारे में। अब ये आया था राष्ट्रीय जनसंख्या नीति। अब भारत सरकार ने 1952 में एक व्यापक परिवार नियोजन कार्यक्रम चलाया था, जनसंख्या कंट्रोल तभी से चल रहा है, तो परिवार कल्याण कार्यक्रम जिम्मेदार तथा सुनियोजित पितृत्व को बढ़ावा देने के लिए कार्यरत है।
राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 में कई वर्षों के नियोजित प्रयास का परिणाम है। उसके बाद राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2014 वर्ष से, ये इंपॉर्टेंट सेक्शन था, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने, शिशु मृत्यु दर को प्रति 1,000 में 30 से कम करने, और व्यापक स्तर पर टीकारोधी बीमारियों को बच्चों से छुटकारा दिलाने, लड़कियों को की शादी जो है कम उम्र में ना हो और प्रोत्साहन किया जाए, और परिवार नियोजन एक जन केंद्रित कार्यक्रम चलाया गया। इसमें राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 और किशोर आया था, जिसमें किशोरों और किशोरियों की पहचान की गई। ऐसा इसलिए उनके लिए पौष्टिक आवश्यकताएं हैं वो सब दिया जाए, उन्हें हर चीजों की जानकारी उपलब्ध किया जाए और बेसिक सुविधाएं मुहैया कराई जाए, कुल मिलाकर यही लिखे हैं। उन्हें बाल विवाह के रोकने के लिए भी कानूनी रूप से सुदृढ़ किया जाए, शिक्षित स्वस्थ जनसंख्या की कार्य शक्ति प्रदान किया जाए। तो ये था चैप्टर। खैर इसमें जो वो था कि हम देख लेते हैं, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित क्षेत्र में प्रवास आबादी की संख्या वितरण संरचना को परिवर्तन लाता है। तो इसमें देखा प्रस्थान और आगमन दोनों क्षेत्रों में लाएगा। क्यों ऐसा है? प्रस्थान करेंगे तो यहाँ पर अगर मान लीजिए 15 लोगों का भोजन था और यहाँ थे 15 लोग, तो 15 लोगों का भोजन था, 15 लोगों के लिए उपलब्ध था। अब यहाँ पर गए तो यहाँ पर 5 लोग मान लीजिए पलायन कर गए यहाँ पर, और पहले से यहाँ 10 लोग थे और 10 ही लोग का भोजन था, यहाँ 5 लोग हो गए, 15 लोग हो गए। तो यहाँ जब मूव किए 5 लोग तो यहाँ, यहाँ 10 ही लोग हो गए, 15 लोग का भोजन है, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, वृद्धि, 15 लोग यहाँ हो गए और 10 ही लोग का भोजन है, तो संसाधन का जो है प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, अनुकूल नहीं पड़ेगा, प्रतिकूल पड़ेगा। जनसंख्या में बच्चों का एक बहुत बड़ा अनुपात निम्नलिखित में से किसका परिणाम है? उच्च जन्म दर ही है, जीवन दर, मृत्यु दर, अधिक विवाहित जोड़े नहीं, या अगर यहाँ पर बात करते तो स्वास्थ्य का बात हो जाता, अगर स्वास्थ्य दिया होता तो हो जाता। उसके बाद जनसंख्या वृद्धि का परिणाम दर्शाता है, तो प्रत्येक, देखिए प्रत्येक वर्ष लोगों की संख्या में होने वाली वृद्धि, प्रति 1,000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, ये नहीं है, ये तो सक्सेस ऐसी होगी। 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षर की बात करें, तो हमने अभी ऊपर जिक्र किया कि 7 वर्ष से उम्र, 7 वर्ष जिसकी है और वो कोई भी भाषा का समझ रखता हो, पढ़ लिख ले रहा हो, तो वो साक्षर है, ठीक है। तो जियोग्राफी का हमने एनसीईआरटी क्लास 9 का यहाँ पर समाप्त कर दिया है। इसके बाद हम लोग अब जो है अब देखेंगे क्लास 6 का, क्योंकि जो पहले शुरू के चैप्टर हैं इसमें वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो जियोग्राफी में यही से संबंधित है, ठीक है। थैंक यू।